जय भगवान। सनातन संदेश के माध्यम से मैं निसर्ग पंड्या आपका अभिवादन करता हूँ। चलिए सुनते हैं श्राद्ध में पिंडदान का महत्व एवं विधि। ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण व पुराण के वेद वर्णित कर्तव्यों में श्राद्ध संस्कारों का विशेष स्थान है। पृथ्वी पर उनके वंशजों की सुख समृद्धि प्राप्ति के हेतु पिंडदान देते और पूजा पाठ करते हैं। कर्तव्य परायणता के हित में वंशजों द्वारा इनका पालन आवश्यक है। आज भी प्रत्येक हिंदू इस कर्तव्य का पालन वैदिक रीति के अनुसार करता है, जिसमें पिंडदान का महत्व अधिक है। दक्षिणाभिमुख होकर आचमन कर अपने जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर चावल, गाय के दूध, घी, शक्कर एवं शहद को मिलाकर बने पिंडों को श्रद्धा भाव के साथ अपने पितरों को अर्पित करना पिंडदान कहलाता है। जल में काले तिल, जौ, कुशा एवं सफेद फूल मिलाकर उस जल से विधि पूर्वक तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि इससे पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध में गंगा जल, दूध, शहद, तरस का कपड़ा, दुहित्र, कुश और तिल का उपयोग होता है। तुलसी से भी तर्पण किया जाता है। यह विष्णु जी को अर्पित की जाती है। श्राद्ध सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र से या पीतल के पात्र से प्रयोग होता है। पूर्वज पूजा की प्रथा विश्व के अन्य देशों के भ्रांति बहुत ही प्राचीन है। यह वैदिक काल से प्रचलित चली आती प्रथा है। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष श्राद्ध या महालया पक्ष कहलाता है। ऐसे तो देश के कई स्थानों में पिंडदान किया जाता है, मगर बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम और सीता जी ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि गया में श्राद्ध करवाने से व्यक्ति की आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलती है। इसीलिए इस तीर्थ को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ गया जी कहते हैं। पितृ पक्ष पर गया जी में अपने पितरों का पिंडदान करते हैं लोग। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद मृतदेह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। पिंडदान करना सबसे अधिक पुण्यदायी माना गया है और आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। प्रथम 10 दिनों का प्रयोजन मृतकों का अध्यात्म निर्माण है। मृत्यु के 11वें दिन एकोदिष्ट नामक दान दिया जाता है। अगले 2 मास में प्रत्येक मास एक बार और अगले 12 मासों में प्रत्येक 6 मास की समाप्ति पर एक अंतिम दान द्वारा इन संस्कारों की कुल संख्या 16 कर दी जाती है। यहाँ पर पितरों का आह्वान किया जाता है कि वे अपने वंशजों को धन, श्रम वृद्धि एवं शक्ति प्रदान करें। परलोक में 2 ही मार्ग है, देवयान और पितृयान। पितृगणों से यह भी प्रार्थना की जाती है कि देवयान से मर्त्यों की सहायता के लिए अग्रेसर हो। निसर्ग पंड्या का जय भगवान।